वो सब गाइस, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को कुछ इसी टाइप की फोटो को एडिट करना सिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं केवल लाइटरूम ऐप की मदद से। तो जो भी भाई इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगा ना, वो भी लाइटरूम ऐप में यूज करके ना कुछ इसी टाइप की फोटो को एडिट कर लेगा। और मैं 110% लिख के देता हूँ कि वीडियो के लास्ट में अभी सेम ऐसा फोटो को एडिट कर ही लेंगे और वीडियो के एंड में आपका भाई ना कुछ इस टाइप के फोटो को वन क्लिक में भी एडिट करना सिखा देगा। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट वॉच कीजिएगा। उससे पहले हम अपनी गैलरी से ओरिजिनल फोटो को लेंगे और लेने के बाद सिंपल से इसकी शेयर के आइकन पर क्लिक करके और इस वाली फोटो को लाइटरूम के अंदर शेयर कर देंगे। और मैं सीधे लाइटरूम ऐप को ओपन करता हूँ, वहाँ पे आपको सारी प्रोसेस बताता हूँ। तो व्हाट्सअप गाइस, जैसे ही आप लाइटरूम ऐप को ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो ऑल फोटोज के आइकन पर क्लिक करके अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा जिसे आपको एडिट करना है। तो गाइस, इसी फोटो को हम लोग एडिट करने वाले और आपका भाई बहुत ही आसान तरीका बताएगा। और वीडियो के एंड में वन क्लिक में भी आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले वाले स्टेप में गाइस हम लोग क्या करेंगे, ऐसे साइड में स्क्रॉल करेंगे और कर लेने के बाद इसकी इफेक्ट के आइकन पे हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे। और कर लेने के बाद सबसे पहले इसकी विगनेट की वैल्यू हम लोग ऐसे डिक्रीज करके इसे -47 कर देंगे। मिड पॉइंट की वैल्यू भी ऐसे कम करके पूरा 0 कर देंगे और इसकी फेदर की वैल्यू में इंक्रीज करके प्लस साइड में 73% कर लेता हूँ। देन दोस्तों, इसकी डीआईएस की वैल्यू में इंक्रीज करके 12% करूंगा और क्लियरिटी की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके -11% कर दूंगा। टेक्सचर की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 17% कर दूंगा। और ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद ना हम लोग का पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करने वाले ना, इस फोटो की लाइट को अच्छे तरीके से एडजस्ट करने वाले। और ये वाला स्टेप आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसके लिए सिंपल से हम लोग लाइट वाले आइकन पे जाएंगे और सबसे पहले इसकी कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू हम लोग इंक्रीज करके प्लस साइड में 10% कर लेंगे। हाईलाइट की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके -100 कर लेंगे। शैडो की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 42% कर लेंगे। व्हाइट्स की वैल्यू भी इंक्रीज करके प्लस साइड में 30% कर लेंगे। देन दोस्तों, इसके बाद आपको इसकी ब्लेड्स की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके -31 करना होगा। और ये सारी सेटिंग आप जैसे ही कीजिएगा तो आपकी फोटो की लाइट भी अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। तो गाइस, हम लोग का दो स्टेप तो कंप्लीट हो चुका है और तीसरा स्टेप के अंदर आपका भाई ये बताएगा कि कैसे फोटो की ना कलर को करेक्ट करके एक बेहतरीन सी टोन को क्रिएट किया जाता है। और इस वाले स्टेप को आप थोड़ा सा भी स्किप अगर कर देते हैं तो कभी आप फोटो को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो तीसरे स्टेप में सिंपल से हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे इस कलर्स के आइकन पे क्लिक करके इसकी टेम्प की वैल्यू जो होता है ना, इसको हम लोग इंक्रीज करके प्लस साइड में 38% कर लेंगे। टिंट की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके -21% कर लेंगे। देन दोस्तों, इसके बाद आप लोग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऊपर साइड कोने में ना मिक्स टूल के आइकन पे ऐसे क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने ढेरों सारे कलर्स नजर आएंगे और एनी कलर का यूज करके आपका व्हाइट टोन को क्रिएट करना बताने वाला। तो सबसे पहले एक यहाँ पे पर्पल कलर को हम लोग सिलेक्ट करके और इसकी सेचुएशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100 कर देंगे। ब्लू कलर को सिलेक्ट करके इसकी भी सेचुएशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100 कर देंगे। इक्वा ब्लू कलर को सिलेक्ट करेंगे, इसकी भी सेचुएशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100 कर देंगे। सिंपल से गाइस, इसके बाद आप लोग को ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके इसकी लिमिनेंस की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके -35 करना होगा। सेचुएशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100, ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100। और इसके बाद आप लोग को येलो कलर को सिलेक्ट करके इसकी भी लिमिनेंस की वैल्यू डिक्रीज करके -31 करना होगा। सेचुएशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100, ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100। और इसके बाद सिंपली गाइस आप लोग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फेस वाले कलर को सिलेक्ट कीजिएगा जो कि ऑरेंज कलर होता है और इसकी सेचुएशन की वैल्यू डिक्रीज करके -36 कर लीजिएगा और लुमिनस की वैल्यू 16% करके और डन क्लिक कर दीजिएगा। और डन क्लिक कर लेने के बाद हम लोग की पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो कैसे फोटो के अंदर कलर को ऐड किया जाता है आगे आपका भाई ये बताने वाला है। तो यहाँ पे वीडियो को अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा। तो उसके लिए मिक्स टूल के बगल में ग्रेडिंग के आइकन पे आएंगे और ऐसे स्क्रॉल करके पूरा हम लोग नीचे आ जाएंगे। ब्लेंडिंग की वैल्यू इंक्रीज करके 100% कर लेंगे। बैलेंस की वैल्यू इंक्रीज करके 41% प्लस साइड में करेंगे और लुमिनस की वैल्यू ना हम लोग ऐसे डिक्रीज करके यहाँ से -49 कर लेंगे। और सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मिड टोन में आ जाएंगे स्क्रॉल करके और अपनी फिंगर से पकड़ के कुछ इस टाइप से इसे ब्लू साइड में घसीट के कर देंगे, जिसकी ह्यू की वैल्यू मैंने 230 रखा है। सिचुएशन को यहाँ पे 43% और सिंपली
ऐसे स्क्रॉल करके हाईलाइट वाले सेक्शन में आ जाएंगे और यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस करेंगे, फिंगर से पकड़ के स्क्रॉल करके ब्लू साइड में करके और ऊपर आके ना यहाँ पे इसकी ह्यू की वैल्यू 229 रखिएगा, सिचुएशन को 21% और डन क्लिक कर दीजिएगा। और डन क्लिक कर लेने के बाद आपकी पूरी फोटो के अंदर ये वाला टोन आ जाएगा। तो इसके बाद आप अपने फोटो के अंदर डिटेल्स को कैसे ऐड करेंगे जिससे आपकी फोटो फुल HD एडिट हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स के आइकन पे जाके शार्पनिंग की वैल्यू इंक्रीज करके 25% कर लेंगे, मास्किंग की वैल्यू 49% कर लेंगे, नॉइस रिडक्शन की वैल्यू 22% कर लेंगे, कलर्स नॉइस रिडक्शन की वैल्यू यहाँ पे 19% करके और स्मूथनेस को 100% कर देंगे। और ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद ना अल्टो वाला आपकी पूरी फोटो एडिट होके आ जाएगी। अगर आप इस टाइप की फोटो को वन क्लिक में एडिट करना चाहते हैं तो मैंने इस फोटो का प्रीसेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और इस फोटो को सेव करने के लिए शेयर के आइकन पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर दीजिएगा, आपका फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।